मैं अभी भी जो गाता हूँ बिना सीखे ही गाता हूँ, बिना सीखे लिखता हूँ। मैंने किसी भी तरह से ट्रेनिंग नहीं ले पाया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं। Kailash Khir, the man who entered a million hearts with the notes of his raw and soulful voice, never really received any classical training. He still managed to take the Indian music scene by storm with his unique blend of folk and western influences in Bollywood numbers like Allah Ke Bande Hasde and Teri Diwani. Allah Ke Bande Hasde, Allah Ke Bande, Allah Ke Bande Hasde, जो भी हो कल फिर आएगा। कैलाश's journey in the world of music started early when he was only 12 years old. For Kailash, the path to playback singing was not just difficult but also time consuming. जब मैं 12-13 साल का हुआ, 13-14 साल का, तो उस वक्त मुझे ये बुखार चढ़ा कि मैं सीखूंगा क्लासिकल म्यूजिक का। मैंने जो भी उस वक्त के रिसोर्सेज से रिसर्च किया वो ये है कि यू हैव टू live aloof, isolated, and along with Tanpura, you have to practice, you have to make your life just converted into a riyaz. His odyssey to achieving his dreams began from the holy land of Rishikesh. Rishikesh mein main Ganga Ghat pe gaata tha, to unhone ek din mujhe bulaya ki bete tum udaas dikhte ho mujhe bahut, lekin tum jab gaate ho tumhari gayaki samanya gayaki nahi hai, tum bahut hi vilakshan tarike ki gayaki karte ho. तो तुम बॉम्बे क्यों नहीं जाते हो? दैट वॉज द पुश पॉइंट एंड दैट्स फ्रॉम देयर आई जस्ट पैक्ड माई बैग फ्रॉम ऋषिकेश एंड आई लैंडेड हियर। द मोटिवेशन टू शिफ्ट टू मुंबई ले इन द डिजायर टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हिज ओन एल्बम, एन एल्बम विच कुड कंटेन हिज सेल्फ कंपोज्ड लिरिक्स, हिज वॉइस एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वॉज एन एक्सटेंशन टू हिज सोल एंड म्यूजिकल विजन. It was in the Maximum City where he met the duo Naresh and Paresh, who are now the lead and the bass guitarist of the band Kailasa. मैं धुन बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, अपने टाइप का गाता हूँ, खुल के किसी को बता नहीं पाऊंगा जब तक वो एक्सेप्ट ना हो, तो बेटर है कि कोई मिल जाए मुझे मेरे इस सोच का और इसमें वैसा साउंड भरे जैसा मैं इमेजिन करता हूँ. फिर मैं इनसे मिला, इनसे मिलते ही मैं रिकॉर्ड करने लगा, क्योंकि दे लव्ड माय वॉइस, माय स्टाइल, एंड दे वर आल्सो बिगनिंग लाइक यंग बॉयज फ्रॉम कॉलेज. तो ये लोग रॉक बैंड चलाते थे तब अपना, तो इनको भी अच्छा लगा, वाओ मैन लेट्स प्रोड्यूस दिस, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो इस तरह से चीजें डेवलप होनी शुरू हुई. कैलाश बिगन लेंडिंग हिज वॉइसेस टू जिंगल्स एंड प्लेबैक नंबर्स इन बॉलीवुड मच बिफोर द बैंड कैलासा वाज फॉर्मड. हिज फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग वाज From the film Buzz with Sunidhi Chauhan. ये था सबसे पहला. के बाद अगले ही हफ्ते में एक और गाया अंदाज फिल्म में, रब्बा इश्क ना होवे, रब्बा इश्क ना होवे. ये वाला गाना था, उसमें कई सिंगर थे, उसमें हम भी एक घुस गए भीड़ में. तो ऐसे ही सुनिधि चौहान के साथ पहला प्लेबैक सिंगिंग, उसके बाद रब्बा इश्क ना होवे. थर्ड सॉन्ग मेरा जो सोलो सॉन्ग बना, इसको मैं पहला बोलूंगा सोलो, तो वो था अल्लाह के बंदे, वो विशाल शेखर ने गवाया. एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस सिंगर विद अ सोल. इंडीड अ ट्रेंड सेटर विद हिज हिंदी कंपोजिशंस एंड डीप येट कंटेंपरेरी नोट्स. कैलाश खेर्स फैंस कीप कमिंग बैक फॉर मोर एंड मोर. या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिलबर पे हो ना, दिलबर पे हो ना कोई असर, हो या रब्बा. हाय, आई एम कैलाश खेर. आई जस्ट गॉट स्पॉटेड ऑन ट्रांसपोर्टर्स टीवी. ना दिलबर पे हो ना कोई असर. सब्सक्राइब टू transporters.tv फॉर मोर सच अपडेट्स.